लिखना न्यूमेरिकल ही है प्रॉब्लम लिख इफ एफ फ्रॉम यू टू बी इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ फ्रॉम यू ओवर एफ टू बी ओवर एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म is an isomorphism of the vector space of the vector space of the vector space U into the vector space V U into the vector space into the vector space V then a set of vectors then a set of vectors then a set of vectors f of alpha 1 comma f of alpha 2 comma up to so on f of alpha n is linearly dependent ld likh dena keval linearly dependent in capital V If and only if केवल और केवल तब अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन इज लीनियरली डिपेंडेंट इन कैपिटल यू कहते अगर एफ यू से वी में कोई एक आइसोमॉर्फिज्म है यू से में अगर एफ कोई एक आइसोमॉर्फिज्म है तो ऐसी तारीख में एफ ऑफ अल्फा वन एफ ऑफ अल्फा टू एफ ऑफ अल्फा एन ये जो इमेज का कलेक्शन है इमेज किसकी है अल्फा वन की इमेज है अल्फा टू की इमेज है अल्फा एन की इमेज है ये जो इमेज का कलेक्शन है ये इमेज का कलेक्शन एल डी होगा अगर ये जिन वेक्टर्स की इमेज का कलेक्शन है उन वेक्टर्स का कलेक्शन कैसा रहे एल डी रहे मतलब अगर वेक्टर्स का कलेक्शन एल डी है तो इमेज का कलेक्शन भी कैसा होगा एल डी ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कहा जाता है सीधी सी बात अगर f u से लेकर के v तक के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म है हम कहते हैं ना आइसोमॉर्फिज्म का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता है आइसोमॉर्फिज्म आपका स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है और आपका स्ट्रक्चर कैसा है पहला सेट जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन का कलेक्शन है किसमें डोमेन में वो कैसा है एल डी तो उसकी इमेज का भी कलेक्शन कैसा हुआ एल डी और अगर इमेज का कलेक्शन एल डी है तो आप बोल सकते हो कि मेन वेक्टर्स का भी कलेक्शन कैसा रहा होगा एल डी रहा होगा तो जो बिहेवियर इधर वही बिहेवियर ये अलग अलग नहीं हो सकता मतलब अगर इधर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन एल आई हुआ तो उधर एफ ऑफ अल्फा वन एफ ऑफ अल्फा टू एफ ऑफ अल्फा एन भी कैसा हो जाएगा एल आई क्योंकि तुमने शर्त लगा दी कि अगर आपको सेट को डिपेंडेंट कहना है किसको अगर आपको इमेज वाले सेट को डिपेंडेंट कहना है तो आपकी मजबूरी है कि आपको इनको क्या कहना पड़ेगा डिपेंडेंट और अगर आपको इनको डिपेंडेंट कहना है तो आपको इन्हें भी क्या कहना पड़ेगा डिपेंडेंट कहना पड़ेगा क्लियर हुआ और ये कहानी होमोमॉर्फिज्म के साथ नहीं होगी ये किसके साथ होगी आइसोमॉर्फिज्म के साथ होगी क्लियर होमोमॉर्फिज्म में कुछ भी हो सकता है होमोमॉर्फिज्म में याद करो कल वाले में बात कही गई थी कि आपके पास कम से कम एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो होगा नॉन जीरो लेकिन इमेज कितनी जा रही होगी जीरो पर सोचो इधर बेचारा कैसा था नॉन जीरो उधर इमेज गई किस पर जीरो तो अगर इमेज का कलेक्शन मार दिया अभी इधर ये जिस कलेक्शन में है अल्फा नॉन जीरो है तो उस दिन तो ये कैसा हो गया एल आई और उधर चला गया तो कैसा हो गया एल डी हो गया क्योंकि मैनी टू वन की केस में डिस्टर्बिंग हो सकती है वन वन आंटो के केस में ऐसा हाल नहीं वन वन आंटो है और सिर्फ वन वन आंटो नहीं है होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से वो अपने स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है और आप कह सकते हो कि अगर वेक्टर का कलेक्शन एलडी है तो इमेज का कलेक्शन भी कैसा रहा एलडी और अगर इमेज का कलेक्शन एलडी है तो उल्टा बोल दो वेक्टर का कलेक्शन भी कैसा रहा एलडी हमको यही बात साबित करनी है क्लियर है और ये भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है न्यूमेरिकल में आया है लेकिन कह सकते हो ये भी इसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है तो आप दिमाग में ना स्ट्राइक करते रहो प्रॉपर्टी क्या क्या कैसे कैसे चल रही है आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के ऊपर आप कंडीशन थोप रहे हो कि आप आइसोमॉर्फिज्म बन चुके हो और तब आपको बिहेवियर निकल करके आता है क्लियर हुआ चलो स्टेटमेंट हो गया हो तो मिटा दिया जाए प्रूफ लिखे सब लोग लिख चुके स्टेटमेंट
प्रूफ लिखना, लेट एफ फ्रॉम यू टू बी सॉल्यूशन प्रूफ कर रहे, लेट एफ फ्रॉम यू टू बी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक। लेट माना सबसे पहले ना सेट को एलडी मान, फिर इमेज के कलेक्शन को क्या दिखा दो एलडी, फिर इमेज के कलेक्शन को एलडी मान करके मेन सेट के कलेक्शन को क्या दिखा दो एलडी, दो तरफा बातें चलनी पड़ेगी क्योंकि कंडीशन डिपेंड ऑन यू है। लेट अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन इज द सबसेट ऑफ आवर डोमेन यू, डोमेन कॉल है वेक्टर स्पेस यू ओवर एफ, इज लीनियरली डिपेंडेंट, इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो याद करो लीनियर डिपेंडेंसी की कंडीशन एक होती थी, इसका मतलब a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n is equal to 0 holds whenever not all ai 0, ये तब पर भी होल्ड हो जाएगा जब आपके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 नहीं होंगे, जबकि अगर ये li होता, अगर ये li, हां ये अच्छा तुम्हारा है, हम क्या मेरे में गूगल कहां से चल गया ना, होता है कभी कभी ये झूठ है, मत हम बोलवा नहीं करेंगे ओके पोके ना, नहीं पता चलेगा ओके कहते ही चल जाते हैं, आज क्या बता लेते हैं मुझको ये रिजल्ट मिले हिंदी में, लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बी द सबसेट ऑफ यू इन द लीनियर डिपेंडेंसी। याद करो डिपेंडेंसी की शर्त, पहले इंडिपेंडेंसी की बताते हैं, कहते हैं कि आपका कलेक्शन अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन, ये जो आपका कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका एलआई होगा अगर आप एक होमोजीनियस इक्वेशन तैयार करो ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और ये होमोजीनियस कलेक्शन केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन रखे, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन है, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ए वन बराबर ए टू बराबर ए थ्री बराबर सो ऑन बराबर ए एन बराबर कितना जीरो, सारे के सारे कोफिशिएंट की वैल्यू केवल और केवल कितनी आएगी जीरो, तब आप इसको क्या बोल दोगे एलआई। लेकिन अगर इनमें से कम एक भी एआई नॉन जीरो आ गया तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन तुरंत कैसा हो जाएगा एलडी। इसी को दूसरी भाषा में कहा गया था कि अगर दिए गए वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जीरो वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने का केवल और केवल कितना तरीका हो, एक तरीका कि आपको मजबूरन सारे कोफिशिएंट कितने रखने हैं जीरो, तो आपका कलेक्शन एलआई, और अगर एक से ज्यादा तरीके हुए तो आपका कलेक्शन कैसा हो जाएगा एलडी हो जाएगा, यही कहा गया था। इसी बात को मैथमेटिकली कहा जाता है कि दिस सेट इज एलडी, इट मींस देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स ए1 ए2 ए3 सो ऑन एन नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं है, सच दैट कि जब हम ये कॉम्बिनेशन तैयार करें तो क्या बने जीरो। सोचो आप कह रहे हो नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते, सारे जीरो नहीं है उसके बाद भी आप क्या बना रहे हो जीरो वेक्टर, तो वास्तविकता में आपके पास जीरो वेक्टर को बनाने का क्या तरीका होगा इनफाइनाइट, याद आया। आप जब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन डील करते हो तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको कहता है होमोजीनियस को जब आप बनाते हो तो होमोजीनियस के होमोजीनियस का या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और या तो फिर इनफाइनाइटली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, एक दो की बात यहां पर नहीं है। और मैथमेटिकली इसी बात को लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट a1 a2 a3 up to so on an, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना नॉट आर जीरो, नॉट आर जीरो। कोई लोग ये मत समझना कि यहां जो a1 a2 a3 an नॉट आर जीरो लिखा गया है तो ये जीरो से नहीं बन सकता है, यानी कि दियर एग्जिस्ट यहां मौजूद होंगे, जब आप कितने यहां मौजूद होंगे तो आप एक पॉसिबिलिटी किनारे वाली छोड़ रहे हो, किनारे वाली कौन सी, सारे के सारे जीरो हो जाने वाली, जब a1 a2 a3 an सारे जीरो हो जाएंगे तब तो आप जीरो वेक्टर प्रोड्यूस कर ही लोगे, उसके अलावा भी आपको स्केलर का एक कलेक्शन मिल रहा है जिसमें कुछ स्केलर कैसे है नॉन जीरो, और उसके बाद भी आप क्या बना रहे हो जीरो वेक्टर बना रहे हो, उसके बाद भी आप बना रहे हो, तो आपके पास क्या तरीके नजर आए, दो तरीके, तरीके एक से ज्यादा होते ही आपका सेट कैसा हो जाता है एलडी हो जाता है, ये बात सबको दिमाग में क्लियर है। There exist a1, a2, a3, so on, an, not all zero belong to the field F, such that, और ये इस प्रकार है, such that कि आप लिख सकते हो a1 alpha 1 plus a2 alpha 2
प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन, और ये करने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है, मतलब नॉन जीरो कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके भी आप क्या बना पा रहे हो, जीरो वेक्टर। और ये केवल और केवल एलडी की डिफिनेशन से हुआ है। क्लियर है बातें, नोट करो। न्यूमेरिकल हम मैक्सिमम करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये मत करना कि एग्जाम टाइम में इसका बोझ लो कि अरे इतना ज्यादा न्यूमेरिकल हो गया क्या क्या पढ़ के जाए क्या करना, जिस न्यूमेरिकल पे इंपॉर्टेंट लगा देंगे वो जरूर पढ़ करके जाना, ठीक है। बाकी वाले हिस्से जो न्यूमेरिकल के हैं वो हम केवल इसलिए करा रहे हैं तुम्हारे हाथ खुल जाए इसके, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में जितना ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओ, लीनियर नहीं किसी भी मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओ उतना ज्यादा क्लियरिटी आती है। अगर हम कम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो तुमको जब इसको किताब में देखोगे तुमको पता चलेगा ये तो मुझसे लग नहीं रहा, वो एक कॉन्फिडेंस लो करने वाला काम होता है। तो इसीलिए और मेरी कैलकुलेशन पर खास ख्याल रखना, वो हो सकता है इधर उधर हो जाए ना, मेरी कैलकुलेशन का भरोसा गड़बड़ होता है। ऐसे एनालिसिस के पार्ट में नहीं, कैलकुलेशन करके जब हम शुद्ध न्यूमेरिकल लगा रहे हैं जिसमें डिजिट इस्तेमाल की गई है तब जरूर ख्याल रखना ना। इवनिंग बैच सारे लोग मौजूद हैं, इवनिंग बैच वाले हाथ उतर करें कहां कहां मौजूद हैं ना। सुनो लास्ट टाइम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा देना, उसमें एक तो बताए हुए थे जिसमें जेड एक्सेस आ रहा था, सुधार लेना जेड एक्सेस नहीं आएगा, वो बताई है आयुषी, वो मेरा गड़बड़ हुआ था, तो 010 आएगा, यही था 010 मतलब वाई एक्सेस उसका आंसर होगा। तुम लोग वीडियो में होगा, वीडियो से जान लेना, जहां 001 बोले हुए हैं होमवर्क के तौर पर दिए हैं वो 010 होना चाहिए। वो मैट्रिक्स हम पूरी सही सही बनाए, जाने का छोड़ता, लास्ट में मैट्रिक्स ये आई थी 000010, लास्ट में मैट्रिक्स ये आई थी ना। अब पता नहीं किस दिमाग में थे, या तो नींद चढ़ी रही होगी, कुछ तो रहा होगा, ये और ये पाइवट है, तो X1 और X3 बेसिक था और X2 आपका फ्री था, हम ये सब यही है, लास्ट में हम जा करके कर दिए X3 फ्री, लास्ट में कर दिए, ये गड़बड़ काम है मेरा। कहां पर नहीं, X1 और X3 ये आपके बेसिक है, X2 आपका फ्री था, उसमें कोई पाइवट नहीं आया था, हम उसमें सॉल्यूशन करते वक्त ना X3 को फ्री कर दिए, वो गलत है। अब एक काम करो, पूरे पर मैपिंग एफ को ऑपरेट करा दो, मैपिंग एफ ऑपरेट करेगी तो ये बनेगा एफ ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस R2 सो ऑन प्लस An अल्फा n इज इक्वल टू एफ ऑफ, पहले तो ये लिखो। अब ये बताओ क्या दोनों वेक्टर स्पेस सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं, नजर डिफरेंट आ रहे हैं, हो सकता है ये सेम भी हो सकता है, तो अपने लोग ना डिफरेंट ही सोच करके काम करें। दिस इंप्लाइज दैट एफ कौन है, F, isomorphism. और जो isomorphism है वो homomorphism होगा, तो linearity की property apply करो, linearity की property कहेगी A1 F of alpha 1 plus A2 F of alpha 2 plus up to so on, इस तरीके से चलते हुए plus An F of alpha n is equal to 0 dash, और सुनो आगे क्या लिख रहे हैं, holds, ये लागू होता है when not All AI is zero. ये इक्वेशन तब होल्ड हो रहा है, ये बताओ A1, A2, A3, AN जो शुरू में लिए थे वही है कि बदल गए, वही है, तो इसका मतलब शुरू में आपने कहा था कि ये लोग कैसे हैं, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, तो क्या यहाँ आप सारे जीरो भर रहे हो, नहीं। और सोचो आप वेक्टर क्या ले रहे हो, एफ ऑफ अल्फा 1, एफ ऑफ अल्फा 2, एफ ऑफ अल्फा n, इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन आप जीरो बना रहे हो, जीरो वेक्टर बना रहे हो, लेकिन आप जिन कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर रहे हो वो कोफिशिएंट A1, A2, A3 कैसे हैं, नॉट ऑल जीरो, नॉन जीरो का इस्तेमाल करके जीरो वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना आपके सेट को क्या करता है, एलडी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कलेक्शन ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1 कॉमा एफ ऑफ अल्फा 2 कॉमा अप टू सो ऑन कॉमा एफ ऑफ अल्फा n, ये जो आपका कलेक्शन आया इज लीनियरली डिपेंडेंट, हो गया कि नहीं। और ये किसका कलेक्शन है, इमेज का कलेक्शन है, तो एलडी होगा किसमें, एलडी इन वी ओवर पहला पार्ट लिख दिया पूरा। अब की बार ना इमेज के कलेक्शन को एलडी मानेंगे और सेट के कलेक्शन को क्या दिखाएंगे, एलडी दिखाएंगे। फर्स्ट ईयर को छुट्टी मिलते ही तुम्हारा थर्ड पेपर रन कराएंगे, जैसे फर्स्ट ईयर की आपकी छुट्टी होती है ना, बस इनका 20 तारीख को इनका एग्जाम है, अगर टल गया तो ये लोग रेगुलर पढ़ लेंगे,
रेगुलर पढ़ाई, फिर इनको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ानी नहीं है, तुम्हारा थर्ड पेपर रन गया। कुल मिला के हर हाल में 20 के बाद किसी भी तरीके से तुम्हारा थर्ड पेपर हम रन करा, और थर्ड पेपर रन कराते ही ये क्लासेस जो अभी ऐसे चल रही है एक घंटे की नहीं चलेगी, हम लोग वही 8-10 पे शुरू करते थे ना, 8-10 से शुरू करेंगे और 9:30-10 तक जाएंगे, वही से हम बीच में कोई क्लास नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये टाइम हम इसीलिए लिए थे लास्ट में सेकंड ईयर का, क्योंकि उसको स्टैटिक डायनेमिक्स डील करना है। लीनियर अलजेब्रा में इतने न्यूमेरिकल करा रहे हैं, डिफरेंशियल में करवा रहे हैं, तो क्या उसको एक तो छोड़ देंगे, उसमें भी ज्यादा न्यूमेरिकल करना। बाहर निकलो कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस रहे कि भैया हम न्यूमेरिकल लगाए हुए हैं, थ्योरी सीखे हुए हैं, थ्योरी ना सीखो न्यूमेरिकल ना लगाओ, काहे का कॉन्फिडेंस और काहे की गणित। कंडीशन इतनी बताना है कि फर्स्ट ईयर वाले में खाली एक तो ग्राफ हल्का खींचने की कोशिश कर दिया, झूठ है ना, गड़बड़ाने लगे हम, फिर ग्राफ रोक दिए उसी पे, नहीं बताया, जबकि मजबूरी है। अगर आप ग्राफ पढ़े हुए हो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बड़े आसानी से डील करते हो, ग्राफ पता रहे आपको बस। अब आज हम कुछ ट्रांसफॉर्मर तब पर बीतने के बाद भी पता है एग्जाम एकदम सामने देखा है, लेकिन इस उम्मीद पे कि एग्जाम कुछ ना कुछ चलेगा आज उनको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत सिखाएंगे, कम से कम 11-12 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो उनको हम सिखाएंगे, क्योंकि कम से कम ये तो रहे कि आप कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्राफिकल अप्रोच से ये तो चेक कर रहे हो मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। अब सिंपल सा दिया जा रहा है x2 4x2 और डिफाइन कर दिया इंटरवल में इनको, और आप इसको भी ना चेक कर पाओ कि ग्राफिकली आप इसको भी ना चेक कर पाओ तो इसका मतलब है कि मतलब एकदम झोल है पूरी तरीके से, लिमिट की डेफिनेशन में दिक्कतें हैं, उनकी गलती नहीं, ये कोरोना टाइम की गलती है, कोरोना टाइम की, और गलती उनकी भी, ऐसा नहीं उनकी नहीं है, दूध के धुले जैसे तुम नहीं ऐसे वो भी नहीं, दोनों ऐसे हैं, पर वो तो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट लाइफ यही होती है, स्टूडेंट और बंदर एक खान होते हैं, अलग नहीं। चलो उल्टा पलट करते हैं, अब की इसको क्या मानेंगे एलडी, और ये कलेक्शन क्या दिखाएंगे एलडी लिखना। कन्वर्सली सपोज f of alpha 1, comma f of alpha 2, comma so on, comma f of alpha n is linearly dependent. हम उल्टा मान करके चल रहे हैं कि ये आपका कैसा होगा linearly dependent. अच्छा, जैसे linearly dependent लाइन सुना करो ना, दिमाग में ये बैठाया करो, इसका मतलब हम ऐसे कांस्टेंट का पूरा जोड़ पा जाएंगे, ऐसे कांस्टेंट का पूरा एक झुंड पा जाएंगे जो होंगे कैसे नॉन जीरो, या उनमें कुछ नॉन जीरो होंगे, उसके बावजूद भी हम उनका इस्तेमाल करके क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जीरो वेक्टर कर सकते हैं, यह हमेशा दिमाग में रखना। जैसे आपने सेट को एलडी कहा, सेट को एलडी कहते ही आपके हाथ खुल गए, आपको जीरो वेक्टर के बनाने के मिनिमम दो तरीके हरदम हाथ में हैं, हम कह रहे हैं एटलीस्ट दो तरीके आपके हमेशा हाथ में, पहला सारे कोफिशिएंट जीरो रख करके भी क्या बनाओगे जीरो, और दूसरा कुछ कोफिशिएंट आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो होंगे तो नॉन जीरो, और उसके बाद भी उनको लगाने के बाद आप प्रोड्यूस किसको कर रहे होंगे जीरो को, क्या इसको एलडी कहा, तो यही कंडीशन पैदा हो गई। हम दूसरी वाली बात लेकर के चलेंगे, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट, समझना, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an और ब्रैकेट में नॉट ऑल जीरो, इनमें सभी जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, क्या स्पेलिंग गलत है ना, हाँ अपने को अच्छा कभी कभी ऐसा ना कुछ लिख दो असमझने का लिख रहे हो, अब ये पता है गलत लिख रहे हो, जीरो नॉट ऑल जीरो सच दैट ऐसा, अच्छा ऐसी अंग्रेजी लिख दे, और मान लो ऐसे लिखते लिखते हड़प्पा सभ्यता वाले में चले जाए, मतलब एक उल्कापिंड बस यही लिखे रहे हैं, और उल्कापिंड गिरे दम से, और उसके बाद यही हम लोग दब जाए, बाद में खुदाई में ये चीज लिख ले, कहे एक तो ऐसा वर्ड लिखा गया था ना, इसकी तलाश होगी तो नई अंग्रेजी बनाई जाएगी, नॉट ऑल जीरो सच दैट ए वन
एफ ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू एफ ऑफ अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एफ ऑफ अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो डैश. ये जीरो डैश किसका है? जीरो डैश बिलोंग टू द डी ओवर एफ. एरिया 51 में तो नहीं जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दिए एक बार. हाँ, दोनों ही बात. लेकिन दिक्कत ये है कि एफ कौन? आइसोमार्फिज्म. और जो आइसोमार्फिज्म है वो कौन? होमोमार्फिज्म. और होमोमार्फिज्म है तो लीनियरिटी कहती है, ऐसे गए तो ऐसे लौट भी सकते हैं. यानी दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू इस तरीके से चलते हुए प्लस ए एन अल्फा एन ठीक इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. लिख सकते हैं कि नहीं? अब मुझको पता आइसोमार्फिज्म वन वन होता है. जो चीज वन वन होती है. अच्छा, होमोमार्फिज्म क्या कहता है? होमोमार्फिज्म वो कहता है कि हम जीरो वेक्टर की इमेज को कहां भेजेंगे? जीरो वेक्टर पर भेजेंगे. तो चाहे उस लॉजिक को पकड़ो कि वन वन है और जीरो वेक्टर की इमेज जीरो होती है तो किसी नॉन जीरो की इमेज तो जीरो नहीं हो सकती. तो इसकी इमेज कितनी होगी? जीरो. और चाहे अपने नाम जो वो रटे हुए हैं कि इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट. यानी दिस इंप्लाइज दैट सिंस एफ इज आइसोमार्फिज्म F is isomorphism implies that F is 1-1 और 1-1 है तो equal images give equal elements के हिसाब से A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus up to so on plus An alpha n is equal to 0 vector. आगे क्या लिखें? Holds. कब hold हो रहा है? When not all AI is 0. Holds and not All AIs zero. और सारे के सारे ए आई जीरो नहीं है. फिर सोचो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन का कलेक्शन क्या बना. यहां लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन मस्ट बी एल डी. दिया गया सेट आपका फिर से कैसा हुआ? एल डी. अब रट्टा मार लो दीवान में. ठीक, रट्टा मतलब समझ मार लो इसको दीवान में कि अगर आपका एफ आइसोमार्फिज्म है तो एलआई की इमेज एलआई एलडी की इमेज क्योंकि एलआई की इमेज एलआई क्या है ना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके बेसिस को किस पर भेजा था बेसिस पर ऑलरेडी दिखा चुके हैं. कृष्णा पब्लिकेशन वाले एक लाइन लिखी है, उस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है. उन्होंने आइसोमार्फिज्म को इनटू और ऑनटू दो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है. मतलब हम इसको ऐसे ओपनली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई भी कभी भी इसका जवाब हो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकता है हमको जो भी इस लेक्चर को सुने. हमको ये बात नहीं समझ में आई आइसोमार्फिज्म के लिए. हर बार अब तक जितनी किताबें मेरे पास हैं और जैसा हमको पढ़ाया गया है उस हिसाब से आइसोमार्फिज्म वन वन ऑनटू दोनों होता है ऑलरेडी. तो जो वन वन आंटो होता है उसको आंटो कहना तो ठीक है लेकिन ये लोग इसको इनटू को अलग डिफाइन कर रहे हैं आंटो को अलग डिफाइन कर रहे हैं और बाद में आइसोमार्फिज्म में फिर ये बात लिख रहे हैं वन वन आंटो दोनों. तो या एक बात अब मुझको ये नहीं समझ ये इनटू किस कंडीशन में लेते हैं. इनटू का मतलब हमको यही समझ आता है इनटू का मतलब है कि आपके कोडोमेन में निश्चित आपके कोडोमेन में कुछ मेंबर ऐसे छूट जाएंगे जिनकी प्री इमेज नहीं हो ऐसे छूट जाए. अब ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि किस हिसाब से ये इसको इनटू की कैटेगरी में डाल रहे हैं. ये अटपटी सी चीज है. इस पे ये एक न्यूमेरिकल दिए हुए हैं. प्रूफ तो हम उस न्यूमेरिकल को कर ले गए लेकिन इस बात का लॉजिक नहीं. अच्छा, हम जितना खोजे गूगल वूगल पे ना कुछ लोगों को मेल भी किए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में भी जो लोग हैं उनको भी मेल किए कि अपने टीचर से पूछो. दो तीन टीचर जिनको हम जानते हैं उनको मेल किए. सब ये बता रहे हैं कई ये बहुत पुरानी डिफिनेशन है. जो उनका जवाब आया उनका जवाब भी बहुत पुरानी डिफिनेशन हुआ करती थी जब इनटू और आंटो की कैटेगरी में बांटा जाता था. बाद में ये एक्सेप्ट किया गया है कि ये केवल आंटो की कैटेगरी आती है. तो इनटू और आंटो जो आंटो है वो इनटू वाली कैटेगरी में होता है. इनटू वाला आंटो कैटेगरी में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. तो ये पुरानी डिफिनेशन के आधार पर इस किताब में लिख दिया गया अदरवाइज ये केवल आंटो ही पढ़ा जाता है. लेकिन गणित इतनी बड़ी है ना कि उतना अपने लोग पढ़े नहीं है तो हम इसको दावे के साथ नहीं कह सकते. तो ए आर वशिष्ठा पुराने राइटर है ऐसा तो यानी नौसिखिया राइटर है कि मतलब लिख दिया ऐसे ही किसी बात को. फिलहाल मुझको इस बात का लॉजिक नहीं पता है. तुमको पढ़ के सुनाते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ
ये बात जरूरी है जानकारी की ना, नहीं आइसोमार्फिज्म जो होता है ना वन वन आंटो दोनों होता है, तो अगर आप किसी मैपिंग को आंटो कह चुके हो ना तो उसके लिए दो अलग डेफिनेशन जो बन रही है ये हमको नहीं समझ आ रहा है। अभी उनको लैंग्वेज पढ़ के सुनाते हैं, होते कई चीजें ऐसी होती है ना नई पल्ले पड़ती, इसको हम उठाए पढ़ने लगे, हमको ये दिखा ये हो गया सबका, तो मिटाए इसको, ये हो गया सबका। देखो ये लिख रहे हैं लैंग्वेज इनकी जो है, पहले तो इन्होंने ऊपर बोला हुआ है, ऊपर किन की डेफिनेशन सुनो, जानो ये सब जानो ना, गणित में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कभी खटकती हैं। लेट यू ओवर एफ, ध्यान से सुनना, यू ओवर एफ एंड वी ओवर एफ बी द टू वेक्टर स्पेसेस, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ यू ऑनटू वी। अभी ये ऑनटू लिख रहे हैं, इज कॉल्ड अ मैपिंग फ्रॉम यू ऑनटू वी, आगे साफ साफ लिखे हैं, इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ यू ऑनटू वी इफ एफ इज वन वन f is onto and f of a alpha plus b beta is equal to a f of alpha plus b f of beta for all a comma b belong to f and for all alpha comma beta belong to e। ये लिखा, फिर ये नीचे लिख रहे हैं, also then the two vector spaces u and v are said to be isomorphic and symbolically we can write, वो जो हम लोग सिंबल बनाए। आगे ये लाइन लिखते हैं, अब यहीं से दिक्कत चालू है, ये आगे लिखते हैं, the vector space v over f is called isomorphic image of vector space U over F। ये भी सही है। अगली वाली लाइन अब हम लिख रहे हैं जहां से हमको दिक्कत आई, ये लिख रहे हैं इफ, यदि इफ F इज अ होमोमॉर्फिज्म, इफ F इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ U over F इंटू V over F, देन F will becomes, then F will becomes an isomorphism of U into V। एक बात मैंने लिखा, समझ में आता है क्या, F को करो, F एक होमोमॉर्फिज्म U over F into V over F, तो ये आपका आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा U इंटू V, तो आंटो को आप इंटू की संख्या दे सकते हो अगली बार, लेकिन जो इंटू है वो आंटो बने ये कोई जरूरी नहीं है। अगली लाइन ये लिख रहे हैं, आल्सो इन एडिशन इसके साथ जुड़ा हुआ, इफ F इज आंटो V, देन अगर ये होमोमॉर्फिज्म आंटो भी है, मतलब इस बार इन्होंने कोडोमेन में किसी को छोड़ा नहीं है, सबकी प्री इमेज मौजूद करा ली है, आल्सो इन एडिशन इफ एफ इज आंटो भी, देन एफ विल बिकम्स एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ यू आंटो भी। ये दो बात मेरे गले के नीचे थोड़ी सी कम उतर रही है, F होमोमॉर्फिज्म है U over F से V over F के बीच में, F will becomes an isomorphism, ये एक isomorphism बन जाएगा of U into V, जो isomorphism बन गया वो ऑलरेडी onto हो गया, फिर इस बात की दरकार, also in addition और इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है, if F is onto V, अगर यही होमोमॉर्फिज्म onto हो गया, अगर यही आंटो हो गया तो ऐसी कैटेगरी में आइसोमॉर्फिज्म होगा यू आंटो भी। ये मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा किसी तरीके से, क्योंकि यही है हम जहां जहां पहुंचे, जिनको मेल किया, जिनको पूछे, इसके बारे में खूब पूछे, कल से हम पूछे कर रहे हैं इसके बारे में कि भैया इन दो डिफिनेशन का अलग अलग औचित्य क्या है, इनको समझा दो औचित्य क्या है, लेकिन सबका यही कहना है कि बहुत पुरानी डिफिनेशन हुआ करती थी जब ऐसा लिखा जाता था, अब इस डिफिनेशन का कोई मायने नहीं बैठता है, अब सीधे जो आइसोमॉर्फिज्म है वो वन वन होगा आंटो होगा, इसलिए एक आइसोमॉर्फिज्म हमेशा आंटो भी होता है, हमेशा यू आंटो भी होता है, लेकिन फिर भी एआर सिस्टम लिखे हम कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात को। तो ये दो लाइनें पता नहीं कहां से हैं, फिलहाल मेरा इस पे दिमाग नहीं चल रहा है अभी ना, तो तुम लोग भी जाने रखना।
कभी कहीं कोई जवाब पाना, ठीक है, लिखना चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो कॉर्नर पर कहीं, कभी किसी टीचर से जवाब पाना तो बिल्कुल हमको मैसेज कर देना, हमको पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल मुझको नहीं पता, हम इसका औचित्य नहीं निकाल पा रहे, दो डिफिनेशन को लिखने का मायने क्या, भाई इसको आप अलग लिखो इसको आप अलग लिखे हो, जबकि कायदे से देखा जाए तो शुद्ध तो यही है, यू वांट टू बी कायदे से शुद्ध यही। हर किताब मेरे पास जितनी किताबें लिखी है हम टोटल 15 से 16 किताब रखे, सब में हम आइसोमॉर्फिज्म देखे, वो सीधे लिखते हैं आंटो 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 सीधे हम कृष्णा वाले इंटू आंटो दोनों का फर्क करके लिखे हैं उन्होंने। नहीं अरे यार सिस्टर को ऐसे गलत नहीं कह सकते, पुराने राइटर पुराने, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इतनी भारी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती कि दो डिफिनेशन अलग है, प्रिंटिंग मिस्टेक की माइनूट सी होती है, कैलकुलेशन गलती हो गई, आंसर गलत छप गया, थ्योरी है ये, वास्तविकता में अपनी थ्योरी की समझ इसका मतलब अभी डाउन चल रही है, कुछ तो सोच करके उन्होंने लिखा होगा। अब इतने बड़ा अपने नाम भी नहीं है कि उनकी फैमिली में किसी को कॉल करें, है मैथमेटिक्स वाले ही है एआर वशिष्ठा एके वशिष्ठा ना, या और कोई बड़े राइटर को कॉल करें वो हमको बताए, अरे बिल्कुल आपको हम अभी जवाब दे रहे, अरे अपने मेल का रिप्लाई नहीं देते ना। एक बार खन्ना एंड भामरे की किताब में फंस गया, एक सवाल मेल किए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक उनको मेल किए जवाब नहीं, गैलियन से जवाब आया, गैलियन का अलजेब्रा पढ़ते एक सवाल फंस गया चैप्टर नंबर 11 में, और उसके बाद फिर उनको मेल किए धड़वा करके और बस ऐसे ही कर दिए, पता था बनारस से जवाब नहीं आ गया, गैलियन की तरफ से कहां जवाब गया, मुझको नहीं पता वो जवाब गैलियन तो नहीं दिए थे ये तय, लेकिन उनकी जो भी टीम रही होगी ना, विद इन 5 मिनट मुझको मेल आता है खट से, उसका पूरा सॉल्यूशन डीपली लिखा हुआ समझाया हुआ ना मेल आया, उसके बाद हम कहे ठीक हमको समझ आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर क्या मतलब मान के चलो तकरीबन 4-5 घंटे का, फिर मेल आया मेरे पास, फिर मेल आया तो उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखे हुए थे, उतनी अंग्रेजी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, गूगल ट्रांसलेट करके तो हम समझ पाए, हाँ कई शब्द ऐसे इस्तेमाल किए थे कठिन कठिन समझ नहीं आ रहे थे, गूगल तो कॉपी करके गूगल पे ट्रांसलेट किए, वैसे कुछ मजमून उसका समझ आ गया था, लिखे हुए थे कि हम इसके लिए आपको लजाइज करते हैं, मतलब हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि ये न्यूमेरिकल वहां मौजूद है, इसको इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ इस चैप्टर में मौजूद होना था, हम अगली बार नेक्स्ट एडिशन में इस बात का ख्याल रखेंगे। कोई अपनी किताब का इतना ख्याल रख रहा है ना, मतलब वो अपनी किताब को कितना मान रहा है, या हम जिनकी किताब का सवाल जिनको मैसेज किए वही हमको जवाब नहीं दिए, और गैलियन की चाहे उनकी टीम रही हो चाहे जो भी रहा हो हमको नहीं पता, हम यहाँ बैठ के क्या कहें, हम ये भी नहीं कह सकते टीम ही रही हो, गैलियन के बारे में हम नहीं जान रहे हैं भी नहीं है, कभी सर्च ही नहीं किए, इतना जोखिम नहीं उठाए, लेकिन मेल आया और सोचो 4 घंटे के बाद जब हमको एक बार सॉल्यूशन मिल चुका था, 4 घंटे के बाद मेल करने की कौन जरूरत थी, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर मेल आता है नेक्स्ट एडिशन में ये बताने के लिए मेल दिए कि हम इस न्यूमेरिकल को यहाँ नहीं अलग जगह पर रखेंगे, इसका मतलब वो ये भी कहे इस न्यूमेरिकल को यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए इसका रीजन गिना कि इस थ्योरम से ये न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे, मतलब वो ये सामने वाले मान रहे हैं, सामने वाला कोई भी टीचिंग होगा टीचिंग स्टाफ होगा या टीचर होगा तो निश्चित तौर पर वो इसको जब क्लास में कराए तो इसको यहाँ ना करा करके उस चैप्टर में डाल दे जहां उन्होंने इसको रिकमेंड किया होगा, क्या होना था, ये होता है एक किताब लिखना और उसको जिम्मेदारी से निभाना, ये होता है अपने यहाँ हवा हवा चल मेल करो कुछ में नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे एकदम बड़े बिजी है, बिजी नहीं है खलिया ज्यादा है, बिजी नहीं खलिया ज्यादा है, लिखना प्रॉब्लम नोट करना, इसको पूछना सुनो इसको पूछना कॉलेज में ना गणपत साहब वाले हैं कौन आए नहीं आए, गणपत साहब कोई नहीं आया अभी भी नहीं किया गणपत साहब, एक लड़का है वही नहीं आया है ना, पूछना ना वहां पर हिम्मत करके पूछना ना एक बार कोई भी हिम्मत करके कोई भी एक बार पूछना, अरे हम ना जेएन सर से पूछ लेते, जेएन सर को वास्तविकता में नॉलेज है, वास्तविकता मतलब सीनियर टीचर है बहुत नॉलेज है, हम पूछ लेते, दिक्कत ये है ना अभी हम पूछने जाएंगे तो कोरोना टाइम चल रहा है ना, तो उनको ये लग जाएगा कि कोचिंग कोचिंग चल नहीं रही, कॉलेज मांगने आए हैं बहाने से, बस इसीलिए नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज ना हम सीधे पूछ लेते जयंत सर से, सर ये बता दीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है,
अपने पूछने में नहीं संकोच है। यहाँ मेन दिक्कत है ना, माइंड सेट में आप गलत सोच बैठोगे। और हम उस लेवल में गए नहीं है कि हम आपके पास उसके लिए जा रहे हैं कि हम कॉलेज मांगने जा रहे हैं। कॉलेज मांगने एक बार चले गए चले गए, दोबारा नहीं जाएंगे, हो गया ना। इतने भी इज्जत नहीं बेचे हुए हैं, थोड़ी सी बेचे। V over F and W over F are two finite dimensional vector space। अपने टीचर से पूछने में संकोच नहीं होता, लेकिन बस जब जमीन बदल जाती है तब की दिक्कत। such that dimension of V is equal to dimension of W। कह रहे हैं V over F और W over F दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, और इस तरीके से हैं कि दोनों की डायमेंशन आपस में कैसी है, एक बराबर है, दोनों की डायमेंशन बराबर है। इफ यदि F is an आइसोमॉर्फिज्म, इफ F is an आइसोमॉर्फिज्म ऑफ V into W, यही न्यूमेरिकल है जो कहते हैं, यही न्यूमेरिकल। और इसमें ना जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया बड़ा सीधा कॉन्सेप्ट है, अभी तुमको दिखा रहे हैं। ये इनटू आंटो दोनों एक ही है। आइसोमॉर्फिज्म के केस में इनटू कहा तो आंटो कहा, आंटो कहा तो इनटू कहा, यहां ये किस्सा चल रहा है। तभी इसको हम प्रूव कर ले गए, लेकिन हम उसका ना मतलब नहीं समझ पाए, दो बार ये बात लिखी क्यों गई, बस हम यही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वी इनटू डब्ल्यू प्रूव दैट एफ मस्ट बी या F must map V onto W, F must map V onto W। पता है इसमें ना खटकता ये है, यदि ऐसा हुआ तो, ये कह रहे अगर ऐसा हुआ तो, ये खटका, ये कह रहे हैं V over F और W over F दोनों आपके वेक्टर स्पेस हैं, दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम टू सेम। ऑलरेडी हम लोग आइसोमॉर्फिज्म की दुनिया में थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर स्पेस सेम डायमेंशन के हुए तो दोनों आपस में कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, ये हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। अच्छा अगर इसको छोड़ भी दें तो जिसका हम लोगों के पास ये भी रास्ता है, आप कह रहे हो V over F की डायमेंशन कितनी है, n है, और थ्योरम पढ़े हुए हैं अगर इसकी डायमेंशन n है तो V is isomorphic to V, पढ़े हुए हैं। अच्छा ये भी आप कह रहे हो कि W की डायमेंशन कितनी है, n है, तो W is isomorphic to V, W isomorphic है Vn के, Vn isomorphic है V के, तो इसका मतलब W isomorphic है, isomorphic हुआ। अब दोनों बीच में isomorphism है, isomorphism कैसा होता है, 1-1 होता है और R2 होता है, homomorphism रहेगा। अब ये सोचो, ये कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ W दोनों बराबर है और दोनों की डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है, n मान लेते हैं। आगे देखना, इसलिए n कह रहे हैं ना क्योंकि ये लिखा है टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो हम दोनों की डायमेंशन बराबर n कर दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इफ यदि F इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ V into W, अगर यह फेक आइसोमॉर्फिज्म है, और कैसा आइसोमॉर्फिज्म है, V into W, तो आप तुरंत कह दो V onto W होगा। ये प्रूव दैट F मस्ट बी V onto W, तो into कह रहे तो onto मान रहे हैं, तो onto कहेंगे तो into मानेंगे, ये बात तो सही है, ये बात तो हम मान ही रहे हैं और इसी आधार पर हम इसको प्रूव भी कर पा गए हैं। अदरवाइज उस डिफिनेशन को हम बहुत देर तक सोचने की कोशिश की, हम नहीं समझ पाए यार ये दो बातें अलग अलग लिखी गई हैं, किस प्रॉस्पेक्टस में लिखी गई, क्या वास्तविकता में इनटू और ऑन पे जैसा कुछ डिफरेंस है आइसोमॉर्फिज्म या नहीं, और हम इसको खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि गणित में लब्बो लुआब जैसी कोई चीज नहीं होती, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, मामला खत्म नहीं है। और मुझको वो दोनों बातें नहीं समझ में आ रही, इसीलिए कह रहे हैं तुम लोगों को जिम्मेदार दे रहे हैं ना, पूछ सकते हो तुम लोग किसका इनटू, ये कहा जाता है ना कि आप वी से मैपिंग ले रहे हो किसमें, डब्ल्यू के बीच में। जब आप किसी मैपिंग को केवल और केवल इनटू कहते हो ना, तो आप इस बात की तुरंत गारंटी नहीं दे सकते हो कि यहाँ मौजूद हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते हो। ऐसा हो सकता है जैसे इधर हमने लिया ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4 5, आप गौर करना, ए की इमेज 1 दे दिया, बी की इमेज 2 दे दिया, ठीक, सी की इमेज 3 दे दिया, डी की इमेज 4 दे दिया, इसका छोड़ दिया, तो ये 1-1 इनटू है, ये 1-1 इनटू, इधर एक छूट चुका है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको हटा देना, अभी भी ये इनटू है, तो इनटू में छूट भी सकता है नहीं भी, आप गारंटी नहीं, लेकिन जब आप ये कह देते हो ना आंटो, आंटो कह देते हो, तो आप 1-1 वाली गारंटी नहीं दे सकते, 1-1 वाली गारंटी, ठीक। अब ऐसा हो सकता है आंटो कह दिया ना, एक गारंटी आप देते हो, आंटो का मतलब आप एक गारंटी देते हो,
इधर जितने मेंबर हैं सबकी प्री इमेज, सबकी, जैसे अब इधर पांच होता ना, या ऐसा इधर आई ए बी सी डी ई के, तो ई की इमेज कितनी होती है? आप गौर करना, आंटो है, लेकिन आप इसको वन वन नहीं कह सकते, कह भी सकते हो अगर हम इसको हटा दें तो, देखो आप है वन वन, तो आंटो वाले में जो बात होती है ना, आंटो वाला कोडोमेन से डोमेन की तरफ दौड़ रहा है, तो कह रहे ना कोडोमेन में जितने लोग मौजूद है सबकी प्री इमेज है, तो आपका आंटो, तब आपका आंटो है, और अगर उधर कोई छूट रहा है तो वो आंटो नहीं, वो कौन होगा, इंटू होगा, वो इंटू। इधर तो वैसे भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि इधर छूट गया तब तो मैपिंग ही नहीं होगी ना, तो जो इंटू है, जो इंटू है वो आंटो बन सकता है, जो आंटो है वो ऑलरेडी इंटू होगा ही ना, उसकी दिक्कत नहीं है। यही मीन वो दो डिफिनेशन का करते हैं ना, दो अलग अलग, किसको अगर बोला गया तो होमोमॉर्फिज्म अगर है, होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म इंटू आंटो दोनों हो सकता है, दोनों, जिस दिन आपका होमोमॉर्फिज्म आंटो हुआ और वन वन हुआ, साथ में आंटो हुआ और वन वन, शायद इसी को सब्जेक्टिव कहा जाता है, सब्जेक्टिव ना, सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोलते सब्जेक्टिव, अपने वन वन आंटो रटे हुए ये नाम भूल जाते हैं अक्सर, क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, हाँ, और आंटो को सब्जेक्टिव, और दोनों को बाइजेक्टिव, हाँ यही चीज ना, इज इन कंफ्यूज सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, तो जो बाइजेक्टिव होता है ना वन वन आंटो दोनों होता है, ठीक, वो आपका कौन होता है, वन वन आंटो दोनों, ऐसी मैपिंग जो वन वन आंटो हो गई ना वो इनवर्स एग्जिस्ट कराती है, हर आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स आता है, होमोमॉर्फिज्म का इनवर्स आए कोई जरूरी नहीं होता है ना, तो ये सारा मामला है इसमें, और मुझको वो दो लाइन इतनी खटक रही है कि हम कल से मतलब एकदम बेचैन है, रतियम उठ गए एक बार, रतियम उठ करके गूगल पे टाइप करें यार अब तो कुछ मिल जाए, अब तो कुछ मिल जाए, लेकिन गूगल भी ना जो खोजो को नहीं दिखाता बाकी सब दिख रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी काम है। किस पे कोडोमेन में, हाँ किसका नहीं समझ रहे हैं क्या क्या बिना मतलब जाओ, इंटू वाले में साफ सुथरी बात होती है कि आपके इधर कोडोमेन एक मेंबर छूटेगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो आप इंटू कह रहे हो, अंदर में आप धसे हुए हो, कुछ लोग छूट गए हैं वो आपसे बाहर है पकड़ से, तो एक मेंबर छूट गया जिसकी प्री इमेज नहीं मिली, आंटो में क्या होता है ना जितने लोग हैं सबकी प्री इमेज मिलेगी, तो ये दोनों बहुत अलग बातें हैं बिल्कुल, और आइसोमॉर्फिज्म को हम लोग कहते हैं वन वन हो और आंटो, तो हम उसको इनटू आइसोमॉर्फिज्म कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक को छूट गया तो आइसोमॉर्फिज्म में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, जबकि तय बात है आइसोमॉर्फिज्म में इनवर्स मैपिंग आती आती है, तो ये बात सोच करके पूछना, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म भाई केवल एक मैपिंग है जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी रखती है, तो वो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म सुनो, होमोमॉर्फिज्म का इससे लेना देना नहीं है, होमोमॉर्फिज्म एक बात कहता है, बस केवल एक बात, होमोमॉर्फिज्म कहता है f of a alpha plus b beta is equal to linearity, कह रहा हम linearly distribute हो जाएंगे, a f of alpha plus b f of beta for all के लिए, ऐसा, तो होमोमॉर्फिज्म का इंटू और आंटो से कनेक्शन नहीं है, होमोमॉर्फिज्म जब अपने ऊपर इंटू आंटो की कंडीशन दोनों रख लेता है, सॉरी आंटो की कंडीशन रख लेता है और वन वन की, तो आइसोमॉर्फिज्म में बदल जाता है, सोचो कब बदला, गौर करना कब बदला, जब आंटो रखा और वन वन रखा, तो मेरा अभी वन वन से झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा आंटो और इंटू के बीच में फंस रहा है, उस दो डिफिनेशन का, ठीक, इंटू हुआ तो इंटू में साफ सुथरी बात, इधर एक आध एलिमेंट छूट जाएगा जो इधर ऐसा नहीं मैप हुआ है, छूटा, आंटो में तो कुल मैप होगा ना, और आइसोमॉर्फिज्म आंटो होगा तो कुल मैप होगा, और तभी जाकर के इनवर्स आता है, तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन है मुझको ना, अभी हम आज भी और भी खोजेंगे ना, देखते हैं बाकी, तो अभी कितना हुआ अपने पास, निकल गई बात, रोक दे इसी पर, ये कल करवाते हैं इसको।